ऐसा भी मैं देख रहा था, तूफान मेल लिखा हुआ है। तूफान मेल लिखने का क्या कारण है इसका? तूफान मेल लिखने का सर मैं आपको बता दूं, मैं जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इस पे जो मशीन है एकदम बिल्कुल, यानी कि गीला लांख भी निकाल सकते हैं, गांठ नहीं देती है, भूसा बिल्कुल महीन महीन वाला महीन बारीक देती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपका किसान दोस्त विश्वास चौधरी एक बार फिर से नई वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तराखंड कि पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे कि एक किसान मेले का आयोजन किया गया है जो चार दिन चलने वाला है, 24, 25, 26 और 27। दोस्तों मेरी नज़र एक लैंड फोर्स के स्टॉल पर पड़ी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक हड़म्बा थ्रेसर, या कुछ जगह इसे कटर थ्रेसर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कई सारी वीडियो आपको मैं थ्रेसर मशीन की दिखा चुका हूँ, लेकिन आज ये जो थ्रेसर मशीन है काफ़ी अच्छी है। बाकी की फुल जानकारी अभी जो प्रतिनिधि हैं मेरे साथ लैंड फोर्स कंपनी से, उनसे ले लेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे दर्शक जो आपको और हमें देख रहे हैं उन्हें अपना और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा परिचय करा दें। सर मेरा नाम विशाल सिरोही है जी, मैं दशमेश अमरगढ़ यानी ब्रांड नेम लैंड फोर्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जी। हमारी कंपनी 1965 से किसान भाइयों के साथ जुड़ी हुई है सर। जी बताइए कब से जुड़ी हुई है सर? 1965 से। जी। तो सर जैसा हम ये आपका हड़म्बा थ्रेसर देख रहे हैं जी, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटी है, उसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताते चलें सर। स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं सर जी। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये कोई नई चीज़ देख रहा हूँ मैं इस थ्रेसर के ऊपर। मैं अधिकतर थ्रेसर देख चुका हूँ, कहीं भी ये चीज़ देखने को मुझे नहीं मिली है। क्या चीज़ दे रखी है सर इसके अंदर? ये सर ग्राइंडर हमने दिया हुआ है जी। ग्राइंडर मतलब एक पत्थर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में जी, जो गंडासे को तीखा करने के ब्लेड को तीखा करने के लिए काम में लाया जाता है जी। तो उसके लिए हमने ये अलग से दिया हुआ। अच्छा, अलग से इसी में ज्वाइन कर दिया? इसी में ज्वाइन कर। हाँ, ज्यादातर तो जो है तीखा करने के लिए वो अलग से लेते अलग से मोटर वाला लेते हैं। इसमें हमने पुले लगा के इसमें ही जी, और इसी में ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन कर दिया है जी। अच्छा, ये जो देख रहा हूँ मैं ऊपर से जाली लगी हुई है सर इन बेल्टों के ऊपर, क्या ये क्यों लगाई गई है? ये ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेट करता है मशीन को, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हमने जाली का इस्तेमाल किया है जी। अच्छा, जो सर इसके अंदर जो क्या नाम है बैरिंग लगाए गए हैं, क्या क्वालिटी है उन बैरिंगों की? बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बैरिंग आते हैं। अच्छी A1 क्वालिटी बोल सकते हैं जी, A1 क्वालिटी बोल सकते हैं, क्योंकि पायनर है कंपनी, बहुत पहले से सबसे पहले थ्रेशर बना रही है जी। जी जी। अभी सर बात कर रहे थे हम के वीट थ्रेशर है ये, तो गेहूं के अलावा कुछ और फसल भी हमारे किसान भाई से निकाल सकते हैं? गेहूं इसका मेन रहता है जी जी। उसके बाद इसकी जाली चेंज करके हम लाई वगैरह निकाल अच्छा लाई लेटा निकाल सकते हैं हमारे किसान भाई। अच्छा सर, जैसे हमारा गेहूं है ठीक है, हल्का फुल्का नरम हो जाता है, कभी कभी क्या होता है हल्की फुल्की बूंदें पड़ जाती हैं लांख के ऊपर, तो क्या उस स्थिति में भी ये निकाल देगा? उस स्थिति में भी निकाल देता है जी। अच्छा, हल्का मुल्का नरम लांख जो है चल जाएगा? हल्का क्योंकि ये कटर है, ये कटर है। हाँ, कटर की वजह से जो है ये जी। अच्छा, कोई गांठ वगैरह तो नहीं देता सर भूसे के अंदर? बिल्कुल भी नहीं देगा जी, बिल्कुल महीन भूसा देता है आपको। अच्छा, पशुओं के खाने लायक जी जी। अच्छा, गेहूं जो होगा बिल्कुल साफ निकलेगा? बिल्कुल साफ निकलेगा, और गांठ नहीं होगी? गांठ नहीं होगी, और भूसा बिल्कुल अच्छा नंबर एक का भूसा होगा पशुओं के खाने लायक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना गेहूं एक घंटे में ये निकासी कर सकता है थ्रेसर अपना? देखो सारी बात तो जड़त के ऊपर रहती है खेत के जी जी, पर फिर भी हम बोल सकते हैं कि 15 से 20 क्विंटल के बीच में, 15 से 20 बोरी ये निकालता है घंटे में, निकाल सकता है एक घंटे में निकाल सकता है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम ट्रैक्टर की, कितने HP का ट्रैक्टर इस पे ठीक ठाक काम करेगा? इस पे 40+ HP। अच्छा, 40+ HP का होना चाहिए। अच्छा, जो चलने में है वो हल्का चलता है? बिल्कुल हल्का, बिल्कुल फ्री होके चलेगा, फ्री होके चलेगा जी। अच्छा सर, बात अभी करेंगे, ये क्या चीज़ दे रखी है आपने इसमें? ये हमारा टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स है। अच्छा, इसमें टूल वगैरह रख सकते हैं? टूल वगैरह रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैं जब पीछे हॉपर देख रहा हूँ, एक इसमें हॉपर लगा हुआ है, यहाँ से जो पुली है वो लगाई जाती है, मुठ्ठा बोल सकते हैं हम आम भाषा में, तो एक आदमी काफ़ी है या डबल व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी इसमें? देखो वैसे तो बनाया जाता तो है एक आदमी के लिए जी जी, पर दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है ताकि पीछे से एक बंदा उसको पकड़ाता रहे और आगे डालता रहे जी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई गियर सिस्टम दे रखा है? मान लो जैसे हमें पुली जा रही है अभी अंदर, हमें बैक करनी है वही पुली, तो क्या कोई ऐसा बैक सिस्टम भी दे रखा है इसके अंदर? बैक सिस्टम, बैक गियर लगा हुआ है। अच्छा, ये गियर की व्यवस्था दे रखी है आगे और पीछे करने के लिए? जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये जो है ये बेल्ट के लिए दे रखा है? बेल्ट के लिए। अच्छा, सेफ्टी फीचर के लिए दे रखा है? सेफ्टी फीचर के लिए पूरा पैक मिलेगा आपको। अच्छा, ये सिंगल फैन है डबल फैन में आता है? ये डबल फैन में आता है। अच्छा, डबल फैन है, ट्रिपल फैन में आता है, इससे बड़े मॉडल जो होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो कौन कौन से मॉडल अपने यहाँ अवेलेबल हैं सर?
इसमें तीन मॉडल आते हैं जी, 28 इंच, 32 इंच और 36 इंच। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं वो कौन सा? ये 32 इंच है। अच्छा, 32 जी, 32, 28 और 36 इंच में जी। अच्छा, ये जो है कोई खास विशेषता इस लैंड फोर्स हड़म्बा थ्रेसर की? जैसा अभी मैं देख रहा था तूफान मेल लिखा हुआ है, तूफान मेल लिखने का क्या कारण है इसका? तूफान मेल लिखने का सर मैं आपको बता दूं जी, मैं जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इस पे जो मुट्ठा लगा रहे हैं ना जी, जी, जो लान लगा रहे हैं जी, उनका हाथ नहीं रुकने वाला, इस वजह से तो तूफान मेल बोला गया है। अच्छा, इसी वजह से तूफान मेल का नाम रखा गया है। तो मतलब हमारे किसान भाई के लिए काफी अच्छी है ये। बहुत अच्छी मशीन है जी, बढ़िया मशीन है एकदम, बिल्कुल। यानी कि गीला लांक भी निकाल सकते हैं, गांठ नहीं देती है, भूसा बिल्कुल महीन महीन वाला महीन बारीक देती है। दोस्तों, अभी इस लैंड फोर्स जो हड़म्बा थ्रेसर है या कटर थ्रेसर हम बोल सकते हैं, इसकी जानकारी जो लैंड फोर्स से प्रतिनिधि थे उन्होंने आपको बखूबी दे दी है और आप समझ भी गए होंगे आशा करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। We'll be right back.